हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेसन है फ्रेंड्स वह 10 होल्स के जो माउथ ऑर्गन होते हैं उसके ऊपर है। बहुत से दोस्तों के पास फ्रेंड्स मुझे ईमेल आया है और एसएमएस आया है कि उनके पास 10 होल्स वाला माउथ ऑर्गन है, डायटोनिक माउथ ऑर्गन है। तो इस पर मैंने क्योंकि लेसन नहीं बनाया है तो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इस पर किस तरह से सारे गवा बजाना चाहिए और किस तरह से गाने बजाना चाहिए। मैंने जो इसके पहले लेसन दिया था फ्रेंड्स वह 24 होल्स के जो माउथ ऑर्गन होते हैं उस पर लेसन दिया था, ठीक है। तो यह लेसन है जिनके पास 10 होल्स के माउथ ऑर्गन है उनके लिए यह लेसन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास 10 होल्स का माउथ ऑर्गन है तो आप उसे सारे गमा कैसे बजाएंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले जो बेसिक जो लेसन है फ्रेंड्स, मोटी आवाज़ जिधर निकल रही है लेफ्ट साइड में रखना है, पतली आवाज़ जिधर निकल रही है राइट साइड में रखना है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 चार नंबर का जो बॉक्स है फ्रेंड्स वहां पे आपको अगर फूकना है, ठीक है, तो सा निकलेगा, ठीक है। वही चार नंबर बॉक्स में अगर आप खींचेंगे, ठीक है, अगर आप सांस खींचेंगे तो रे निकलेगा, रे। फिर पांच नंबर बॉक्स में आ जाइए, फिफ्थ बॉक्स, फूकिए ग। फिर वही फिफ्थ नंबर बॉक्स में आप खींचिए म, ठीक है। फिर छह नंबर बॉक्स में आ जाइए, फूकिए प। फिर फिफ्थ नंबर बॉक्स में, सॉरी सिक्स नंबर बॉक्स में आप खींचिए ध, ध निकला। फिर सेवन नंबर बॉक्स में आके आपको खींचना है, फूकना नहीं है, खींचना है नी। फिर उसी सेवन नंबर बॉक्स में आपको फूकना है सा, ठीक है। तो चार नंबर का जो बॉक्स है लेफ्ट साइड से चार नंबर बॉक्स में आप फूकेंगे तो सा निकलेगा, खींचेंगे तो रे निकलेगा। फिफ्थ नंबर बॉक्स में आके आपको फूकना है ग निकलेगा, फिफ्थ नंबर बॉक्स में आप खींचेंगे म निकलेगा, ठीक है। सिक्स नंबर बॉक्स में आप आके फूकेंगे प निकलेगा, उसी बॉक्स से आप खींचेंगे ध निकलेगा। सेवन नंबर बॉक्स में आपके आपको खींचना है नी निकलेगा, फिर फूकना है सा निकलेगा, ठीक है। तो एक दो तीन चार, चार से लेके सात, 4 5 6 7 इस चार बॉक्स में आपका सारे गम पधनी सा बच जाएगा अगर आपके पास 10 होल्स वाला माउथ ऑर्गन है, ठीक है। मैं आपको बजा कर सुनाता हूँ फास्ट में। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर डालिए सारेगम पर धनी सा, ठीक है। तो पहला जो तीन बॉक्स है फ्रेंड्स इसका अभी आपको पास कोई काम नहीं है, और लास्ट का जो तीन बॉक्स है मतलब 8 9 10 इसका भी अभी आपके पास कोई काम नहीं है बिगनर्स के लिए। अभी आपका सिर्फ काम है चार से लेके सात नंबर बॉक्स में जहां पे सारे गम पर धनी सा बसता है, ठीक है। इस माउथ ऑर्गन का फ्रेंड्स ये लिमिटेशन है कि इसमें तीन ऑक्टेव आपको नहीं मिलेंगे। 24 होल्स में आपको तीन ऑक्टेव मिल जाते हैं, लोअर ऑक्टेव एक से लेकर सात में लोअर ऑक्टेव होता है, वहां भी आप सारे गम पधनी सा बजा सकते हैं टोटल। मिडिल ऑक्टेव वहां भी आप सारे गम पधनी सा पूरा बजा सकते हैं 8 से लेकर 16 के बीच में, और फिर हायर ऑक्टेव वहां भी आप सारे गम पधनी सा पूरा बजा सकते हैं। लेकिन इस माउथ ऑर्गन में फ्रेंड्स आपको बस एक ही ऑक्टेव मिल रहा है वो बीच वाला ऑक्टेव, ठीक है। आपको लोअर ऑक्टेव नहीं मिल रहा है, हायर ऑक्टेव नहीं मिल रहा है, मतलब आप सारे गम पधनी सा सिर्फ बीच से बजा सकते हैं। इसी कारण इसमें आप सब तरह के गाने नहीं बजा सकते, इसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा गाने हैं, कुछ सिलेक्टेड सॉन्ग्स हैं जो आप इसमें बजा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये गाना आप बजा सकते हैं, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं किशोर कुमार जी का, ये बजा सकते हैं आप। हैप्पी बर्थडे टू यू, नहीं सॉरी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वो आप बजा सकते हैं, ठीक है। आप और एक गाना मैं आपको बता दूं, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, ठीक है।
ठीक है अपना दिल तो आवारा, आप जो जो ओरिजिनल स्केल है उस पर आप नहीं बजा सकते, जैसे ये लाइन बज जाएगा लेकिन सेकेंड जो लाइन है ये सेकेंड लाइन जो है ये नहीं बज पाएगा क्योंकि इसमें लोअर ऑक्टेव नहीं है। अगर आप ये गाना इसमें बजाना चाहते हैं तो आपको बहुत हायर स्केल में जाके बजाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से बजाना पड़ेगा, लास्ट का जो है तीन चार होल्स वहाँ से बजाने पड़ेगा। जैसे मैं बजा के दिखाता हूँ, बहुत हायर स्केल में आपको जाके गाना बजाना पड़ रहा है जो कि बजाने में इतना मजा नहीं आएगा, जो कि आप 24 होल्स में बहुत आसानी से आप जो स्केल है अच्छे स्केल में ओरिजिनल स्केल में आप बजा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा लेसन मुझे बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स जाते जाते मैं आपको बता दूं, अगर आप बिगनर्स हैं माउथ ऑर्गन खरीदना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 24 होल्स वाले माउथ ऑर्गन से शुरू कीजिए, 10 होल्स से नहीं। लेकिन अगर आपके पास 10 होल्स है तो इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और काम चला सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।